हाय गाइस, तो आज इस वीडियो पर बात करने वाले हैं पोलका डॉट कॉइन के बारे में। और पोलका डॉट कॉइन के बारे में समझेंगे, इसका प्राइस कब तक एक अच्छा पंप आपको देखने को मिल सकता है, इस बुल मार्केट में डॉट का कब पंप आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, अगर हम बिटकॉइन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन का मोमेंट काफ़ी ज़्यादा बुलिश सेगमेंट देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है दिसंबर के महीने में इस बार बिटकॉइन का प्राइस आपको $42,000 से लेकर $45,000 तक आपको इजीली देखने को मिल सकता है। तो इस दौरान भी डॉट में पंप आपको देखने को मिलेगा, तो इसके पूरे सिनेरियोस के ऊपर आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं। तो मैं अक्सर वीडियो को आप पूरा देखना और डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे मैं अपनी जो भी अपडेट होता है क्रिप्टो मार्केट का वो शेयर करता हूँ, जो मुझे फील होता है वो मैं यहाँ पर सिनेरियोस के बारे में बात करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो BTC मंथली क्लोजिंग इज बुलिश, ये मैंने पहले ही बताया था। और लेट्स सी, अगर अभी आप यहाँ पर देखोगे तो बिटकॉइन का प्राइस लगभग $700 से $800 के पंप में है। तो हम बात करें डॉट के बारे में कि डॉट का प्राइस कब तक पंप करेगा, तो आप एक चीज़ समझना कि ये प्रोजेक्ट स्ट्रांग है। अभी बहुत टाइम से इस प्रोजेक्ट में पंप हमें देखने को नहीं मिला है, तो उस हिसाब से अगर हम समझें तो पूरी तरह से इसे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है और इस प्राइस से लेकर कुछ नीचे डाउन अगर ये आपको देखने को मिलता है, जैसा कि मार्केट में एक बुल रन सेगमेंट अब हमें देखने को मिल रहा है। और मेरा पर्सनली मानना है कि फरवरी के बाद आपको किसी भी ऑल्ट कॉइन में एंट्री तक लेने का मौका भी नहीं मिल सकता है। तो अगर एंट्री भी लेनी है तो अभी आप डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। अभी डॉट का प्राइस बहुत ज़्यादा पंप नहीं हुआ है, $5.48 का ही प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप डॉट का मार्केट कैप देखोगे तो $6.8 बिलियन का मार्केट कैप है। तो इससे क्या समझ में आता है कि डॉट एक हाई मार्केट कैप वाला कॉइन है और ऐसे में इस तरह के कॉइन में पंप होने के लिए बहुत ज़्यादा पुश की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रोजेक्ट स्ट्रांग है लेकिन इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए आप इसे ऐसा समझ सकते हो, सेफ प्रोजेक्ट तो है लेकिन आपको रिटर्न देने में ये थोड़ा सा लेट करेगा। जब मार्केट में पूरी तरह से बुलिश सेगमेंट देखने को मिलेगी, जैसे कि बिटकॉइन पंप करेगा, इथेरियम पंप करेगी, उसके बाद इस तरह के कॉइन भी पंप करेंगे जिसके मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर डॉट के न्यूज़ के बारे में बात करें तो कई तरह के आर्टिकल आज के टाइम में पब्लिश होना इसको देखने को मिल ही रहे हैं, जो डॉट में एक पुश हमें करने को देखने को मिल रहा है कि डॉट में वो पुश करवाने की कोशिश किया जा रहा है। आप देख सकते हो बेस्ट क्रिप्टो टू बाय नाउ ऑन दिसंबर, तो ये दिसंबर में कौन से बेस्ट क्रिप्टो है जिसको हम बाय कर सकते हैं, उसमें TI, FX और डॉट का नाम दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फेमस आर्टिकल है वो सब अभी डॉट को पुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। आप पोलका डॉट का यहाँ भी एक सीन आप देख सकते हो। तो पोलका डॉट का जो प्रोटोकॉल है वो ब्रिंग्स रियल वर्ल्ड एसेट ऑन चेन बुलिश सिग्नल, तो एक तरह का बुलिश सिग्नल यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन के बारे में बात करिए तो डॉट में काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें अब चल रही हैं जो डॉट में एक बड़ा पुश आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें टेक्निकली कि डॉट में आपको क्या न्यू सेगमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये वन डे का चार्ट मैंने ओपन किया है। अभी आप देखोगे तो डॉट का प्राइस काफ़ी टाइम से मार्केट में पंप हो रहा था। आप ये चीज़ ये सीन को आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी टाइम से मार्केट में हमें पंप देखने को यहाँ पर मिल रहा था। अब डॉट ने एक नया हाई बनाने के बाद एक एक्युमुलेशन जोन पर चला गया है, जो कि आप देख सकते हो एक्युमुलेशन जोन पर यहाँ पर ट्रेड हो रही है। अब सीन क्या बनता है कि डॉट में पहला तो पॉसिबल मोमेंट है कि $5.8 के इस प्राइस को यहाँ पर टच करेगी, ठीक है, इस प्राइस को यहाँ पर टच करेगी। इसे ब्रेक करने के बाद एक दो दिन यहाँ पर स्टे होने के बाद मार्केट में एक बड़ा पंप आपको देखने को इजीली मिल सकता है। और ये पंप मैं समझता हूँ यहाँ से अगर बड़ा, जैसे इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से डॉट का प्राइस कम से कम आपको $8 से $9 तक में ईजिली देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर भी एक सीन देख सकते हो, यहाँ से डॉट का प्राइस जब ब्रेक हुई थी तो सीधा यहाँ तक ब्रेक होने के बाद यहाँ पर काफ़ी टाइम तक एक्युमुलेशन जोन चला, जो सेम हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो जैसे इस रेसिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक करेगी ना, तो एक बड़ा पंप हमें ईजिली देखने को मिलेगा और लगभग $8 तक आप ईजिली इसके प्राइस एक्सेप्ट आप यहाँ पर कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आप ये भी सीन देखना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लगा है, आप ये देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि लगभग आपको 2 से 3 महीने तक आपको देखने को मिलेगा $7 से $8 तक में आने में। अब हम बात करें एक बड़े टारगेट के बारे में, तो डॉट का जैसा कि मैंने आपको मार्केट कैप बताया, आपको लगभग आप ये सीन देखना $6.8 बिलियन का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना ही प्राइस के पंप करने के एक बड़ा जो टारगेट होता है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। अभी $6.8 बिलियन का मार्केट कैप है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उम्मीद करो कि अगर नेक्स्ट बुल मार्केट आती है, जिस तरह से हमें 2021 में देखने को मिला, तो 2024-25 में अगर इस तरह का सीन देखने को मिलता है
तो इसका मार्केट कैप मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि लगभग 40 से 50 बिलियन डॉलर मार्केट कैप जाने का, और अगर इतना तक जाती है तो उस हिसाब से अगर आप मार्केट कैप को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 6-7 तक का मल्टीप्लाई यहाँ पर होती है मार्केट कैप से, तो उस हिसाब से 30 से 35 डॉलर तक का इजिली प्राइस हमें देखने को मिल सकता है इस बुल मार्केट में। क्वेश्चन आएगा कि कब तक आपको वेट करना चाहिए, तो लगभग आपको 2025 तक का वेट करना चाहिए। 2025 तक में ही एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीन ऐसा चलता है क्रिप्टो मार्केट का कि कभी जब बिटकॉइन की हाल्विंग होती है तो उस समय बिटकॉइन का हाल्विंग के कुछ दौरान प्राइस कुछ कुछ पंप ही होता है, उतना नहीं होता है, लेकिन हाल्विंग के एक साल के बाद, मतलब 2024 में हाल्विंग है, उसके एक साल के बाद बिटकॉइन का प्राइस ज़बरदस्त पंप होता है। तो उस सीन के अंदर में मेरी जो टारगेट होगी वो 2025 होल्डिंग तक होगी। तो आपका जो भी आपका पोर्टफोलियो है जिसको आप होल्ड करना चाहते हो, 2025 तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, जिसमें एक अच्छा रिजल्ट आपको मिले और डॉटकॉइन का प्राइस भी 35 डॉलर तक इजीली आपको देखने को मिल जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अभी यहाँ पर बाइंग जोन है, एक्यूमुलेशन जोन है, तो आप भी एक्यूमुलेशन कर सकते हो। मैं पर्सनली कुछ कॉइन्स में बाय करने वाला हूँ, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूँगा कि कौन से प्रोजेक्ट को मैं बाय करने वाला हूँ। तो आप चाहो तो छोटा मोटा अमाउंट आप भी इन्वेस्ट करके रख सकते हो और साल दो साल तक आप इसे होल्डिंग रख सकते हो। डिटेल्स कुछ पोलका डॉट के बारे में, नेक्स्ट एक और वीडियो आने वाली है जिसमें हम ICP कॉइन के बारे में बताने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, बेल आइकन को प्रेस किया हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।